नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के मक्कड़ मोटर्स में सुबह 6 लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। 8 लाख की नकदी, लैपटॉप, डीवीआर और एक फोन लूट हुए फरार। गोराया के नजदीकी गांव डल्लेवाल में सुबह एनआईए की टीम ने दी दबिश, दो घरों में ली तलाशी। लुधियाना पहुंचे महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने विशेष रूप से पहुंचकर प्राप्त किया आशीर्वाद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के मक्कड़ मोटर्स में सुबह 4 बजे के करीब 5 से 6 लुटेरे लगभग 8 लाख रुपयों की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, फिर उसे बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। लुटेरों द्वारा पैसों के साथ साथ एक लैपटॉप, सीसीटीवी का डीवीआर और एक फोन लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी हर्षप्रीत सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से उन्हें जानकारी मिली थी, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। शोरूम के स्टाफ सदस्यों ने बताया कि लुटेरों द्वारा सेफ को तोड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वे उसमें नाकाम रहे, जिसके बाद बाहर पड़े लगभग 8 लाख रुपयों की नकदी, लैपटॉप, डीवीआर और एक फोन लेकर भाग निकले। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड घबराए हुए हैं, इसलिए उनसे सही जानकारी नहीं मिल पाई है। उनकी ओर से जांच की जा रही है, जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इवन अराउंड 12 बजे कंप्लेंट आई सी कि जिहड़ा मक्कड़ मोटर्स हैगे आ अपने परागपुर चौंकी के नेड़े है कि इत्थे कोई थैफ्ट दा या कोई इदां दा इंसीडेंट होया हैगा, ते कोई अमाउंट दसी गई सी कि सानू ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਵੀ ਆਰ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 7 lakhs to 8 lakhs ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੈਪਟੋਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ GM ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹ 4 to 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੇਫ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੇਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। गोराया के नजदीकी गांव डल्लेवाल में सुबह 5:30 बजे के करीब एनआईए की टीम ने दबिश दी और दो घरों में तलाशी ली, जिसमें बलविंदर सिंह व लवशिंदर सिंह के घर में पूछताछ की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलबीर कौर ने बताया कि उनका देवर पिछले 35 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहा है, जो कि सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके परिवार का उससे अब कोई संपर्क नहीं है। सुबह 5:30 बजे के करीब टीमें उनके घर में आई व उनसे पूछताछ करते हुए उनके बेटे का फोन साथ ले गई। इसके अलावा लवशिंदर सिंह के घर में भी पूछताछ की गई है। गोराया से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पिंड च होर भी मुंडा है, ओदे घर भी आईयां आ, ते साडे भी आईयां 5:30-6 बजे। हांजी, किन्ने क बंदे सी जी टीम दे विच? ਹੋਊਗੇ 12-13 ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ 30-32 ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਦੇਰ ਵਾ ਮੇਰਾ
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। लुधियाना में आयोजित दो दिवसीय 670वें प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के बाद परम पूज्य सदगुरु देव महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज मॉडल टाउन एक्सटेंशन स्थित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम मंदिर में पधारे। महाराज के मंदिर पधारने पर सेवकों ने पुष्प वर्षा व माला अर्पण कर भव्य स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से पधारकर महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम मंदिर में पधारने पर सेवकों ने शीतल विज का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कुमार स्वामी जी महाराज ने शीतल विज द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्री विज सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने भक्तों को सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट।
सतगुरदेव जी महाराज आज जिस तरह से महाप्रेम का महासागर इन्होंने ले रखा है पूरे विश्व ने माँ दुर्गा जी की कृपा किस तरह से बरस रही है, मूल शक्ति है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने अपनी महाकृपा से एक सत्य बताया, शास्त्रों का उल्लेख किया कि प्रेम साक्षात परमात्मा है। प्रेम और सद्भाव का जब वातावरण बनता है तो कुछ तत्व विरोध करते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिंगर है, एक्ट्रेस है, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2012 और मिस इंटरनेशनल 2012 जर्मनी में। रजनीश नाथीपाल जी हनुमानगढ़ से, परमादानीय चेतन मिठा जी, अंकुर ग्रेवाल जी, संजय गोयल जी, कोरियर काउंसलिंग की ओर से कोर्टयार्ड मेरियट में एक प्रोग्रेसिव काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोग्रेसिव करियर्स के मैनेजिंग पार्टनर गगनदीप सिंह ने भारत से क्लिनिकल मनोविज्ञानी दीपाली बेदी का स्वागत किया और हुनर विकास की भूमिका व अलग अलग उद्योगों में मौजूदा अंतर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कंपनियों ने हजारों विद्यार्थियों को अलग अलग कंपनियों में सफलतापूर्वक रखा है, जिसमें मुख्य आकर्षण पावर बीएल और माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म की शिक्षा है, जो कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन इसकी उद्योगों और यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा मांग है। ऐसी विलक्षण शिक्षा प्रदान करने वाला प्रोग्रेसिव करियर्स उत्तर भारत की एकमात्र संस्था है। इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए उम्र या किसी और ज्ञान की कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव करियर्स एक मान्यता प्राप्त प्लेसमेंट पार्टनर है और प्रगतिशील करियर के लिए शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को शामिल करता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बच्चे जो है स्कूलिंग और एजुकेशन लाइफ के ऊपर अच्छा खासा टाइम और एफर्ट अपना स्पेंड करते हैं, कॉलेज लाइफ में जाके भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज का सेमिनार जो करंटली इंडस्ट्री में जो स्किल सेट चाहिए उसके ऊपर है। हमने ये सारा बताया कि जो हमारी होड़ मची हुई है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाके ही जो है सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली में जैसी आईटी कंपनीज की जो स्किल सेट है हमने यहाँ पे शुरू कर रखी है, उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए हम उनको हेल्प करते हैं और आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छा और एफ्लुएंट करियर बनाने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने ये भी बताया कि जो लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, बट उसके साथ साथ वो वहाँ पर जाके लेबर जॉब्स ना करें, ट्रक ड्राइवरी ना करें, वहाँ पर जाके रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी बॉय की तरह काम ना करें, वहाँ पे स्किल्स लेके जाए कंप्यूटर की, पावर बीआई की, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म की, ताकि उन्हें वहाँ पे जाके एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिल सके। और उसके साथ साथ जो पैसे उनके लग रखे हैं वो उतारे आराम से
और जल्दी सेटल हों बाहर। अलग अलग जरिए होते हैं बाहर जाके जो लोग सेटल हो सकते हैं, उनमें से स्किल सेट लेके जाना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स अपना रोल अदा कर देते हैं पैसा लगाने के लिए, ये बच्चे के ऊपर होना चाहिए कि वो एक स्किल सेट लेके बाहर जाए। जो बाल अवस्था जिसको हम कह देते हैं या यूथ कह देते हैं, टीनेज कह देते हैं, ये एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे हम इसको जिस तरह से चैनलाइज करते हैं वो उस तरीके से मुड़ सकता है। 20-21 साल की उम्र में जो चॉइस हमने कर ली, अगले 40 साल जिंदगी के हमारे उसी के ऊपर बेस्ड है। भारतीय स्टेट बैंक की समृद्धि शाखा के शाखा प्रबंधक पवन बस्सी दिनांक 31 जुलाई 2023 को बैंक से 33 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। पवन बस्सी ने 4 जनवरी 1990 को स्टेट बैंक में बतौर क्लर्क सेवा शुरू की थी और सन 2011 में अधिकारी के रूप में प्रमोशन लिया। पवन बस्सी सन 2015 से लगातार शाखा प्रबंधक रहे और उनको बैंक की जालंधर की प्रतिष्ठित समृद्धि शाखा दी गई। इस अवसर पर सभी ने अपने अनुभव सांझे किए और बस्सी जी को उनकी सेवाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी किया। इस भाव विभोर कर देने वाली विदाई के अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधिका अनुपमा शर्मा, संजीव चौधरी, सविता कुमारी, शाखा प्रबंधक नरेश कुमार, नरेंद्र कुमार, नितिन बांसल, कॉमरेड राजेश वर्मा और रमेश कुमार सहित समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। पवन बस्सी को घर ले जाने के लिए कार्यक्रम में उनकी पत्नी श्रीमती मीना बस्सी, पुत्र गौतम, गौरव और पुत्र वधू रिया और पोता त्रिशान और उनके पुराने मित्र दविंदर अरोड़ा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार बिल्कुल भी नहीं था। तो बिल्कुल पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि एज एन आरएम और एज एन ऑफिसर बैंक में बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों की ट्रांसफर्स हुई है, लीविंग की है, लेकिन बस्सी जी की आज जो रिटायरमेंट है इसका मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। 31 जुलाई अगर मेरे बस में होता तो मैं 31 जुलाई की डेट शायद अपने कैलेंडर से ही मिटा देती, क्योंकि बस्सी जी जैसा इंसान, बस्सी जी जैसी शख्सियत और बस्सी जी जैसा ऑफिसर डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट है ये साबित कर रही है कि सभी लोग इस बात से मेरे वाकिफ रखते हैं, सभी लोग इससे एग्री करते हैं। और आज के मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिलों में बसने वाले श्री पवन बस्सी जी और उनके साथ उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे, इन सब का मैं अपनी तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आज इस प्रांत में जो आपकी विदाई पार्टी होती है उसमें आपने शामिल होकर हम सबको मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरेटर सर्कल और लुधियाना मंडियों से किसी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके परिवारों को और परमात्मा से प्रार्थना करवाऊंगा जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ इन सर्विस पास की है ऐसी और या इससे और अच्छी आपकी जिंदगी हो, दुख का साया भी आपके आसपास ना हो, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और लोगों के काम आते रहे। एंड ऑल माय डियर कोलीग्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस द स्पेशल इवेंट व्हिच इज बोथ बिटर एंड स्वीट एट मिस्टर पवन कुमार बस्सी रिटायरिंग टुडे। इवन दो वी आर सैड टू बिड goodbye to our respected colleague, we are happy that he would now be able to spend his time for his family and friends. Mr. Pawan Bassi worked for around 34 years in our organization. He gave a great contribution in the growth and expansion of our organization. Let me not miss the opportunity of saying a few words in his honor. Mr. Bassi is known for his commitment and the dedication to the work. His attitude toward the work has always been an inspiration for all of us. During his tenure,
for during tenure in the organization, he has done many wonderful tasks like social working, etc. Although he is leaving the organization today, the kind of work culture and attitude he has built will stay with us forever. On behalf of our organization, I would like to thank sir for sharing your valuable idea and opinion with us. सावन माह के उपलक्ष्य में माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंचौंग हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में संपूर्ण फलदायी श्रृंखलाबद्ध मासिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ एवं माँ बंगलामुखी जी को छप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा आए हुए सभी माँ भक्तों से नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने माँ भक्तों को साथ लेकर माँ बंगलामुखी जी को विधिवत छप्पन भोग लगाए। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी कंटेनर बोर्ड की चेयरमैन राजविंदर कौर, पार्टी पंजाब के महासचिव जगरूप सिंह सेंखवा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, आप पार्टी के युवा जिला प्रधान डॉक्टर अमित शर्मा, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, समाज सेविका ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, आप नेता हंस राज राणा, एसटी ग्रुप के चेयरमैन हरीश कपूर, एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर, अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर, चेयरमैन अर्पित कपूर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता चंदन गरेवाल, पूर्व पार्षद विपन चड्डा, बब्बी जोगिंदर शर्मा, दीप्ति कौशल, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, रमनी शर्मा, सौरभ शर्मा, मंजीत सिंह टीटू ने विशेष रूप से सम्मिलित होकर माँ बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जो जीवन में नियमों को मानता है, प्रकृति का सम्मान करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। वर्तमान में कोरोना महामारी ने इसको सत्य साबित भी कर दिया है कि धैर्य रखने का सुखद परिणाम मिलता है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कुल देवी की कोई भी या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी गल करना कि पाकिस्तान को माइग्रेंट्स होके आए, उन्होंने अपने कुल देवियां का कुल देवतियां की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कुल के बारे में नहीं पता, कौशल गोत्र उत्पन्न बोलिया कर, जिन्होंने नहीं कुल का पता, कई लोगों को पता, कई अपने कुल बारे नहीं पता, महर्षि हुए कौशल जी, उन्होंने कहा कि बाकियों मेरा गोत्र दिता जाए, जिदा कोई भारद्वाज गोत्र उत्पन्न है, कोई प्रभाकर है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, अलग अलग गोत्र है, जिन्होंने अपना गोत्र नहीं पता वो कौशल गोत्र उत्पन्न बोलिया कर, इस चीज का ध्यान रखा जाए। अपनी कुल देवी जिदा मेरी कुल देवी ज्वाला जी है, जिदे जिहड़ी तुहाडी कुल देवी है उहदा ध्यान रखो, और उन्होंने कहो कि साडे परिवार दे उत्ते अपना मेहर पर्याप्त रखो, बाल गोपाल संतान होना एक तुहाडे कुल देवियां ते कुल देवतियां दे हक है, हर कोई एक चीज दा नहीं बन सकता। जे असी पीर फकीर किसी को जाने हैं, किसी फकर को संत महात्मा को जाने हैं, तो वो भी सब को पहला ये फरियाद है, वो अपने कुल देवतियां भी करवाना है, कईयां दे जठेरे है, देवियां है, और अलग अलग स्थान है, सखियां दे स्थान है, अलग अलग रीच होते हैं साया के, सो जितना भी जिला भाव हो अपने कुल देवते याद करते हुए ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਪ ਚੜਾਉਣੇ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਦੌਰ ਜੈ ਮਾਤਾ।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 14वें दिन की प्रभात फेरी सेठ हुकम चंद कॉलोनी में से निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ सम्पन्न हुई। इस दौरान पूर्व विधायक के डी भंडारी, डॉक्टर सतीश शर्मा सहित सभी इलाकावासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Yeah.
जुलाई से 27 अगस्त तक हो रहा है। पहले भी इस मंदिर में आने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रमोद जी यहाँ सब आए थे, उन सभी भी यही भाव रखा था कि जब जब भी कोई सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर ऐसे कठिन समय आए तो हमारे गुरुजी ने भगवत आराधना मंत्र आराधना के बाद से देश हमारे राष्ट्र भारत माता की रक्षा करी है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में कथा से पहले श्री देवी तला मंदिर प्रांगण में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज, गो सेवा मिशन के स्वामी अजय आनंद महाराज, गुंजन किशोरी होशियारपुर वाले और वेद पाठी आचार्य और ब्राह्मणों ने मंदिर परिसर की परिक्रमा की, जिसके बाद ये शोभा यात्रा गो माता का प्रचार करते हुए कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शिव नगर में सावन माह के उपलक्ष में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की महिला संकीर्तन मंडलियों ने संकीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। पंडाल में विराजमान सभी आत्माओं में पहले मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज हम आप लोगों के पास एक चिंता लेके आए हैं, जिसका चिंतन करने आए हैं, और वो चिंता सबका ही अगर मूल रूप से देखेंगे घर घर का विषय बना हुआ है। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज गुरु सेवा मिशन के राष्ट्र के अध्यक्ष, जिनका ये अभियान हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, इस चिंता का निवारण कैसे हो, ये हम चिंतन आपसे करने आए हैं। जो आज वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति है, हम सब लोग जानते हैं कि आज कितनी संकटों से हमारा समाज गुजर रहा है।
इसके पीछे का अगर हम मूल कारण ढूंढेंगे तो हमारा वो वंश मिलेगा। वो वंश की क्यों ये प्रश्न पैदा होता है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साय 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साय 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। मंदिर के सेवक जन हैं व मंदिर से जुड़े हुए जितने भी माँ के लाडले बच्चे सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ और माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा इच्छा हो, गो हत्या का कलंक इस भारत की भूमि से मिटे, देश व विश्वों का मंगल हो, आश्री तांत्रिक शक्तियों का नाश हो, हमारा भारत देश अखंड हो, आपसी प्रेम सद्भाव हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति हो, माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आइए। श्री गोस्वामी जी के खुश जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। सीताराम हनुमान, सीताराम हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के मक्कड़ मोटर्स में सुबह 6 लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। 8 लाख की नकदी, लैपटॉप, डीवीआर और एक फोन लूट हुए फरार। गोराया के नजदीकी गांव डल्लेवाल में सुबह एनआईए की टीम ने दी दबिश, 2 घरों में ली तलाशी। लुधियाना पहुंचे महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने विशेष रूप से पहुंचकर प्राप्त किया आशीर्वाद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।